Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. ग्रुप टू इम्तिहानात के ओहदों में इजाफा और डीएससी इम्तिहानात को मुलतवी करने शहर में तलबा की जारी एहतजाज के दरमियान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाजे किया है कि असातिज़ा की 6000 मुलाजमतों को पूर करने के लिए एक और डीएससी इम्तिहान मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसाबिकती इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए एहतजाज किए जा रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि गुज़िश्ता 10 सालों में कभी भी ग्रुप 1 का इम्तिहान मुनाकिद नहीं किया गया। साबिक वजीर के टी आर ने कहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर तेलंगाना में भी बस किरायों में इजाफा मुमकिन है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि जब कोई किसी चीज़ को मुफ्त में देता है तो इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। मुफ्त की चीज़ें हासिल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती हैं। उन्होंने बस किरायों में इजाफे से मुतालिक कर्नाटक हुकूमत की तजवीज़ पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना में भी इसी तरह बस किरायों में इजाफा मुमकिन है। डीएससी इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए बारिश में भी दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। उन्होंने वज़रा से मुतालबा किया कि वो उनसे मुलाकात करें, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किया था। इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कुछ दिनों से तलबा का एहतजाज जारी है। डीएससी इम्तिहान मुलतवी करने और ग्रुप 2 की मुलाजमतों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले बेरोज़गार नौजवानों की तायद करने वाली तलबा तंजीम बीआरएसबी के कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह तारनाका इलाके में बीआरएस की इस तलबा तंजीम के नायब सदर टी बालू को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। बीआरएस ने वाजे किया कि इस गैर कानूनी गिरफ्तारी से बेरोज़गार नौजवानों की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सतवाहना यूनिवर्सिटी करीमनगर में शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने शजरकारी भी की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि शजरकारी को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूगी को कम करने के लिए पौधे ज़रूरी हैं। वजीर पंचायतराज सीतक्का ने घने जंगल में कंटेनर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। वरंगल ज़िले के ईटूरा नागरम के चलपाका इलाके में 16 लाख रुपए की लागत से ये इमारत तामीर की गई। रियासती वजीर पोंगुलट्टी श्रीनिवास रेड्डी ने आज खम्मम ज़िले के जलपल्ली गांव का दौरा किया। उन्होंने देहातियों से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। वजीर मौसूफ ने ज़िले में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला और रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने बीआरएस के रुकने असम्बली हरीश राव को एक अच्छा सियासतदान करार देते हुए उनकी सताइश की और कहा कि इतलात में कोई सदाकत नहीं है कि बीआरएस को बीजेपी में जम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये अफवाह कांग्रेस की जानिब से फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बीआरएस के अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि वो इस्तीफा देकर दोबारा मुकाबला करें। बेकविल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर वन क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकविल केक हाउस। बेकविल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकविल केक हाउस, टोरी चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। बेरोजगारों के इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र सेक्रेटेरिएट में पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। ये बेरोजगार डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने और ग्रुप टू की मुलाजिमतों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। बिहार मजलिस के सरबरा अख्तरुल ईमान ने किशनगंज के करीब कौमी शाहरा पर पेश आए सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए थे। उन्होंने महलुकीन को खराज पेश किया और जख्मियों के जल्द सेहतियाबी और बेहतर इलाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से फखरे मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह एडवोकेट साबिक सदर मजलिस की बरसी के सिलसिले में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के तलबा और तालिबात के लिए फखरे मिल्लत यादगार तकरीरी मुकाबला दारुस्सलाम में ज़ेर सरपरस्ती बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। मुलतविया तकरीरी मुकाबलों की निगरानी जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी मोतमद अमूमी मजलिस व साबिक़ रुकन असम्बली ने की। तलबा के मुकाबलों के कन्वीनर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम और तालिबात के मुकाबलों की कन्वीनर मोहतरमा आयशा रूबीना थी। फखरे मिल्लत बहैसियत खतीब उनवान पर मुनक़िदा मुकाबलों में जजस के फ़राइज़ तलबा के ज़मरों में मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी, अतहर फारूकी, अयूब शाद ने अंजाम दिए, जबकि तालिबात के ज़ुमरे में जजस के फ़राइज़ मलिहा फरीसा, मलिका उन्निसा, मुफस्सा फातिमा और समीना ने अंजाम दिए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने काकीनाड़ा से गैरकानूनी तौर पर कछुओं की ओडिशा मुंतकली को नाकाम बनाते हुए कछुओं को जब्त कर लिया। ये 246 कछुए बजरिए कार एजेंसी इलाके से ओडिशा मुंतकिल किए जा रहे थे, ताहम अलूरी सीताराम राजू ज़िले के करीब चेक पोस्ट पर इन कछुओं को जब्त कर लिया गया। नाजायज ताल्लुकात पर बीवी और दो बच्चों को हलाक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने इस वाक़े को सड़क हादसा बनाने की कोशिश की। जी प्रवीण का ताल्लुक खम्मम ज़िले से, जो हैदराबाद के एक दवाखाने में फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर काम करता है। दवाखाने में काम करने वाली खातून से उसके नाजायज ताल्लुकात हो गए। खातून ने इसकी बीवी और बच्चों को इस रिश्ते में रुकावट समझा, जिसको हटाने के लिए प्रवीण कुमार ने अपनी बीवी को जहरीला इंजेक्शन देकर हलाक कर दिया। बाद में इसने बच्चों का गला घोट दिया और कार को दरख से टकरा कर हादसा जाहिर करने की कोशिश की। बीवी के रिश्तेदारों को इस बात पर शुबा हुआ, जिन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस की पूछताछ में सारा मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में छोटे बच्चे पर बंदरों ने हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने मदाखलत करते हुए इस बच्चे को बचाया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया।
महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियासत तेलंगाना के कई अजला में पीर को मूसलाधार से शदीद बारिश के इम्कानात हैं। हैदराबाद शहर में इतवार को वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश रात देर गए तक जारी रही। जराए ने बताया है कि शहर में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने आज यानी पीर को तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी की है। आदिलाबाद, हैदराबाद, कोतागुड़म, जगतियाल, जयशंकर, भोपालपल्ली, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबनगर, मंचरियाल, मेडचल, मलकाजगिरी, मुलुगु, पेदापल्ली, निर्मल, सिलसिला, रंगारेड्डी के अलावा सिद्दीपेट, संगारेड्डी व दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है और इन अजला की आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। डीएससी इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करने वाले उम्मीदवारों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बारिश के बावजूद उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर प्लाकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। डीएससी के उम्मीदवार इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा जारी रखे हुए हैं। इतवार को बारिश की परवाह किए बगैर डीएससी उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर प्लाकार्ड्स के साथ शदीद एहतजाज किया और हुकूमत से डीएससी मुलतवी करने की मांग की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एहतजाजियों से वज़रा से बात करने को कहा है, लेकिन बेरोजगारों का इल्ज़ाम है कि कोई भी वज़ीर उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहा है और वज़ीर आला जो कुछ कह रहे हैं सब ड्रामा है। हैदराबाद में डीएससी और ग्रुप टू के इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों एहतजाजी सेक्रेटरेट का मुहासरा करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। बीसी जनसभा ने बेरोजगारों की हिमायत में आज चलो सेक्रेटरेट की कॉल दी थी। बीसी जनसभा के कायदीन और सैकड़ों बेरोजगार अफराद जैसे ही सेक्रेटरेट पहुंचे और सेक्रेटरेट का घेराव करना चाहा, वहां कशीदगी फैल गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सेक्रेटरेट के नज़दीक भारी पुलिस पोस्ट की तैनाती की गई है। पुलिस की 3 डिवीजन्स के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई बेरोजगारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति नगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम पर एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन को तहनियत पेश की गई। शांति नगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम किताबों की तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। कुलहीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के नाम पर एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने इस मौके पर बतौर मेहमान एजाज से शिरकत की। उन्होंने शांति नगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान और तलबा से खिताब किया। दरियसना शांति नगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन और रेड हिल्स डिवीजन कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान को तहनियत पेश की गई। तारीखी बीवी के अलम के जुलूस के लिए कर्नाटक से हैदराबाद पहुंचे रूपावती हाथी को खुली कुतुबशाह अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर वाक़े दारु शफा में रखा गया है। मशहूर तारीखी बीवी के अलम की बरामदगी के लिए इस्तेमाल होने वाला हाथी रूपावती कर्नाटक से हैदराबाद लाया गया है। याद रहे कि मरकजी हुकूमत की मुदाखलत के बाद हाथी की मुंतकली में कुछ ताखीर हुई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हुकूमत तेलंगाना से हाथी के हुसूल के लिए नुमाइंदगी की, जिसके बाद वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने हुकूमत कर्नाटक से नुमाइंदगी करते हुए हाथी को हैदराबाद लाने के इकदाम को यकीनी बनाया। आपको बता दें कि फिलहाल हाथी को दारुशफा में खुली कुतुबशाह अर्बन डेवलपमेंट के दफ्तर में रखा गया है और यौम आशुरा से कबल एक तमसीली जुलूस भी निकाला जाएगा। इस हाथी को बीबी के अलम की
बरामदगी के अलावा बोनाल त्यौहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। मोहरम और बोनाल के बाद हाथी को कर्नाटक वापस भेज दिया जाएगा। हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई। रामनगर इलाके में एक कार पानी में डूब गई। मुकामी लोगों ने कार के शीशे तोड़कर कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। हैदराबाद में इतवार की शाम से अचानक हुई शदीद बारिश के नतीजे में शहर में हिस्बे मामूल सड़कें झीलों में बदल गई और ट्रैफिक जाम रहा। इस दौरान यूसुफगुड़ा श्री कृष्णा नगर में बारिश के पानी में कार बह जाने और कई मकामात पर मोटरसाइकिलें बह जाने की खबरें मौसूल हुई। रामनगर के मुशीराबाद में भी शदीद बारिश के दौरान स्ट्रीट नंबर 17 से गुजरने वाली एक कार पानी में डूब गई, जिसमें चार अपराध सवार थे। बताया गया है कि कार में सवार लोगों की चीखों पुकार सुनकर मुकामी अपराध ने फुर्ती दिखाई और कार के शीशे तोड़कर उन अपराध को महफूज बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि शहर हैदराबाद में आइंदा दो दिनों तक शदीद बारिश के इम्कान है। रियासती वजीर सीता अक्का और जिला कलेक्टर की जानिब से पोचापुर गांव में कंटेनर अस्पताल कायम किया गया। जराए ने बताया कि मुलुगु के ताड़वाई मंडल के पोचापुरम गांव में लोगों को इलाज मुआवजे के लिए तवील सफर करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान है। मुलुगु एमएलए व रियासती वजीर सीता अक्का ने जिला कलेक्टर के हमरा पोचापुर गाँव में एक कंटेनर अस्पताल कायम किया। अस्पताल का इफ्तिताह अमल में आया है, जिसके बाद मुकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वजीर सीता अक्का ने अस्पताल के क्याम के लिए ताउन करने वाले सभी ओहदेदारों की भरपूर सिताश की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। हैदराबाद में धुआंधार बारिश की वजह से पंजागुट्टा इलाके में वाकई एक मारूफ मल्टीप्लेक्स थिएटर की छत से पानी टपकने लगा। फिल्म बीनों ने थिएटर के अमले पर बरहमी का इजहार किया। इतवार की रात मूसलाधार बारिश की वजह से पंजागुट्टा के एक मारूफ मल्टीप्लेक्स थिएटर की छत से पानी टपकने का वाकया पेश आया। सामयिक ताजा तरीन हिट फिल्म काल की देख रहे थे। जैसे ही छत से पानी टपकने लगा, अमले की जानिब से फिल्म की नुमाइश रोक दी गई और लोगों को वहां से जाने को कहा गया, जिसके बाद लोग बरहम हो गए। उन्होंने अमले के साथ झगड़ा किया और लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए उनसे पूछा कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता या कोई नाखुशगवार हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। कुछ सामयिन ने थिएटर के अमले के साथ बहस व तकरार की, झगड़ा किया, जबकि कुछ ने एहतजाज दर्ज करवाया। मेडचल जिले के अनुजीगुड़ा में फोन पर बात करते हुए सड़क उबूर करने वाले एक शख्स को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में शदीद जख्मी होने वाला शख्स इलाज के दौरान आज सुबह फौत हो गया।
जराय ने बताया कि मेडचल जिले के अनुजी गुड़ा का रहने वाला गिरी सड़क उबूर कर रहा था कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। वो सेल फोन पर बात कर रहा था। इस हादसे में गिरी को शदीद चोटें आई थी और उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। हादसे का ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। गाड़ियां चलाने के दौरान सेल फोन पर बात करना जितना खतरनाक है, पैदल चलते वक्त फोन पर बात करना भी जानलेवा हादसात का सबब बन सकता है। लिहाजा गाड़ियां चलाने वालों या फिर पैदल चलने वालों, खासतौर पर सड़क उबूर करने वालों को सेल फोन का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। रियासत उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में बंदरों ने एक 5 साला लड़के पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका देने वाले एक वाकये में दिन दहाड़े बंदरों के एक गिरोह ने 5 साला बच्चे पर हमला किया। ये वाकया वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम बच्चा खुद को बंदरों से बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि बंदर उस पर हमला किए जा रहे हैं। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि उस वक्त वहां पर चंद खवातीन भी मौजूद थी, ताहम वो बच्चे की मदद नहीं कर पाई। कुछ दूरी पर खड़े अपराध बंदर को हमला करते देख बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े और बंदरों को वहां से भगा दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो नौजवानों के नारे लगाने की वीडियो वायरल हुई। वायरल वीडियो के बिना पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम जुलूस निकाला गया। इस दौरान नौजवानों ने नारे बुलंद किए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अमेठी पुलिस ने हरकत में आते हुए दो नौजवानों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछ-गूछ की जा रही है। हुकाम ने बताया है कि इस वाकये के सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सूरज रवां वर्ष में पहली बार आज खाने काबा के ऐन ऊपर होगा, जिससे दुनिया भर में क़िबले रुख का दुरुस्त तायुन किया जा सकेगा। बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सूरज के खाने काबा के ऐन ऊपर आने का सऊदी वक्त दोपहर 12:27 पर होगा। सूरज 90 डिग्री पर रहेगा। बताया गया है कि सूरज खाने काबा के मुतवाजी यानी एक ही खिते उमूद पर आ जाता है, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी मुजस्म इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं रहेगा। सूरज के खाने काबा के ऐन ऊपर आने से पूरी दुनिया के मुसलमान क़िबले की सिमत का दुरुस्त तायुन खुतबे-नुमा के बगैर भी कर सकते हैं। वाज़ह है कि सूरज साल में 2 मरतबा, एक बार मौसम गर्मा और दूसरी मरतबा मौसम सरमा में खाने काबा के ऐन ऊपर आता है। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate graduation day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.